ग्वालियर जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण हजारे ने हजीरा थाना प्रभारी संतोष भदौरिया को गिरफ्तार वारंट तलब किया है और वहीं पुलिस अधीक्षक को कोर्ट की ओर से पत्र भी लिखा गया है कि थाना प्रभारी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए। हत्या जैसे जघन्य अपराध में साक्ष्य उपलब्ध कराने में लगातार कोताही बरतने और न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर उन्हें गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि वे अपनी पूर्व में गैर हाजिरी को लेकर कोई असंतोष जवाब नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 350 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माने के अलावा सजा का भी प्रावधान है। मामला ये है कि एक जघन्य अपराध हुआ था, 302 की ट्रायल चल रही है माननीय सेशन न्यायालय में, जिसमें थाना प्रभारी संतोष भदौरिया जी के लगभग 7 पेशियों से साक्ष्य के लिए सम्मन किया जा रहा था, जिसमें पूर्व में उनको जमानती वारंट जारी किए गए थे। अभी लास्ट डेट पर श्रीमान्य सेशन न्यायालय द्वारा थाना प्रभारी संतोष भदौरिया को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, जिसमें एसपी साहब को विशेष पत्र के माध्यम से सूचना दी गई है कि इनको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करें और यदि पूर्व में पेशियों पर जो उपस्थित जो नहीं हुए थे उसका स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो इनके खिलाफ सीआरपीसी 350 की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है।